हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज लालबाग श्री राजा का जो गणपति का सबसे बड़ा जो मूर्ति होता है वो लालबाग में होता है। आज लालबाग में ही हम जाएंगे और अभी उसके लिए हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन अभी यहाँ पे 4:47 में, यहाँ पे अभी 4:50 हुआ है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अभी हूँ, मेन स्टेशन पे। लालबाग श्री राजा का जो गणपति का जो महोत्सव है, सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट कहते हैं कि मुंबई का सबसे बड़ा मूर्ति माना जाता है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। स्पेशली आज वहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि गणपति में क्या क्या चीज़ होते हैं और क्या जो महाराष्ट्र का उमंग होता है वो गणपति के लेकर के, वो वहाँ पे देखने को मिलता है। हम वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्टली। यहाँ से अभी ट्रेन है मेरी 4:57 की, वहाँ पर वो पकड़ के मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ। आज मैंने सेकेंड क्लास की नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट लिया, क्योंकि यहाँ पे गणपति के लेकर के बहुत ज़्यादा क्राउड हो सकता है, तो हो सकता है कि मेरे गजेट्स वगैरह का कुछ इधर वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है। तो जहाँ पे टिकट 5 रुपये की है वहाँ पे 25 रुपीज़ का कॉस्ट होता है फर्स्ट क्लास में, तो अभी हम उस पर ही जाएंगे। मिलते हैं हम ट्रेन में। गाइस, अभी तो ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ। एक्चुअली ट्रेन का जो होता है फर्स्ट क्लास का सीट बहुत ही खाली खाली होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड का जो होता है। फर्स्ट क्लास में जर्नी का मतलब ये होता है थोड़ा सा क्राउडेड, क्राउड बहुत कम होता है। क्राउड कम होने की वजह से आप सेफ रहते हैं, सेफ रहने की वजह कि आप थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपका गैजेट्स वगैरह कुछ भी होता है ना वो सेफ रहता है। तो फर्स्ट हमेशा तो आप फर्स्ट क्लास थोड़ा कॉस्टली होता है, जहाँ पे 5 रुपये है वहाँ पे आपको 25 रुपीज़ पे करना होता है। और इसकी लोकल एसी ट्रेन भी चली है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसका मिनिमम प्राइस 50 रुपीज़ है। और उसका भी मैं रिव्यू करूँगा वीकेंड में कभी अगर मौका मिला तो। फिलहाल ये फर्स्ट क्लास का ये व्यू है, अभी देख सकते हो। मतलब सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का डिफ्रेंशिएट क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ कि कितना क्राउड है, आप देख सकते हो ये वीडियो में मैं दिखाता हूँ। गाइस, अभी परेल से उतर के मैं लालबाग की तरफ आ रहा हूँ। एक्चुअली अगर बाय वॉकिंग आप जा रहे हैं तो हार्डली 15 मिनट्स आपको लगेंगे, बट अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो आपको 10 मिनट में आप रुक सकते हैं। लेकिन लालबाग का यहाँ से मतलब बेसिकली स्टेशन से उतर करके ना थोड़ा सा आपको 20 मिनट का फासला होता है, अगर आप ब्रिज क्रॉस करके, यहाँ पर बीच में ट्रैफिक आता है जो आप कंटिन्यूसली आप वो इंडिकेट करता है, जो आप अगर आप मैप रोड मैप यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। लेकिन अभी जो हम शाम का इवनिंग का टाइम हो गया, शायद हो सके कि मेरे कैमरे का जो उतना फ्लैश और बाकी का चीज़ तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्ट क्लिप में दिखाऊं और वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया। क्योंकि जो मुझे ट्रेन पकड़ना था वो गलत रूट हो गया था, वो हार्बर लाइन के लिए था, वो डायरेक्टली मस्जिद जाता है जो सीएसटी के लिए, और मुझे जो आना था वो सेंट्रल लाइन से परेल आना था, तो ये तो मिस्टेक हुई जिसके वजह से इतना लेट हो चुका है। तो अभी हम मिलते हैं अभी लालबाग में जा कर के और उसका सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। गाइस, ये लालबाग का राजा का इतना ये क्राउड है, क्राउड तो कुछ तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। अंदर जाने के लिए इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ पूछो ही मत। मुझे तो बात करने में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, गेट हो रहा है कि अभी लालबाग का जो मेन जो है वो गणपति है देखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये देखो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपका यूट्यूब चैनल क्या है? इकबाल आलम। हाँ जी, वीडियो पोस्ट करें, हमें टैग करना। हाँ, श्योर श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू।
ये देखो क्राउड है जो अंदर जाने के लिए अभी आपको लाइन में खड़ा, मतलब लाइन में खड़ा रहने के लिए आपको इतना ज़्यादा मतलब भीड़ का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो अंदर आप जाना गाइज अभी तो बहुत ज़्यादा हम चल करके थक गए क्योंकि यहाँ से 20 मिनट्स जो कंटिन्यू चलना हुआ था और ये गणपति का जो इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि आपको धक्का मुक्की करते करते यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। पहुँच तो गया हूँ बट अंदर जाने के लिए तो एटलीस्ट आज 10 बजे रात तक मुझे यहाँ पर ठहरना पड़ेगा। मैं सुबह मैं शाम के 5 बजे से निकला हूँ, अभी जा कर के 7 बजे पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर। इतनी भीड़ थी, क्राउड थी, क्राउड की वजह से तो मैं कुछ बाहर की सीनेरी में लिया हूँ और कुछ जो ऐसे हैं जो चीज़ जो मैं दिखाता हूँ, मैं स्टे करता हूँ रात तक अगर ऐसा कुछ मोमेंट हुआ तो हम लोग ये करेंगे। पर ये जो पब्लिक है, पब्लिक का भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। देवाइज आप देख रहे हैं जितने सारे हैं आने वाले, ये सब भी सब मुंबई का राजा यानी लाल बाग का राजा गणपति का जो सबसे बड़ा, ये आपको मैं वीडियो क्लिप में मैं दिखाता हूँ ये पूरा। आई होप आपको ये छोटा सा क्लिप अच्छा लगेगा और बताएं आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। गाइज मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो आज का ये ब्लॉग छोटा सा मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि गणपति के फर्स्ट टाइम मैं ये इतना विजिट करके मैं इतने दूर से आया था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर गणपति के साथ आप भी कुछ जुड़ना चाहते हैं तो आप खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे मिलेंगे नया कुछ एक्साइटमेंट का, नए वीडियो का। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।